गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग लेसन नंबर 2. इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस आइकन्स, हाउ टू कस्टमाइज द डेस्कटॉप एंड हाउ टू कस्टमाइज द टास्कबार. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आइकन्स, कि व्हाट आर द आइकन्स, आइकन्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आइकन्स. एक्चुअली आइकन्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इमेज ऑफ एनी प्रोग्राम फाइल एंड फोल्डर्स. मोस्टली आइकन्स आर अवेलेबल ऑन अ डेस्कटॉप. आइकन कहाँ होते हैं? डेस्कटॉप्स पे. आपने देखा होगा स्मॉल स्मॉल जो पिक्चर्स होती हैं, दैट आर कॉल्ड द आइकन्स. व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज दैट विद द हेल्प ऑफ आइकन्स वी कैन ओपन एनी प्रोग्राम फाइल्स एंड फोल्डर्स विदाउट गोइंग टू द ओरिजिनल लोकेशंस और विदाउट गोइंग टू द स्टार्ट मेनू. ओके, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बट हाउ टू ओपन एन आइकन? जस्ट सिंपल डबल क्लिक द आइकन्स एंड यू कैन ओपन इट. सी, देयर आर सम कॉमनली यूज्ड आइकन. फर्स्ट इज कंप्यूटर आइकन. आपके डेस्कटॉप पे जो कंप्यूटर आइकन है, इट विल शो यू ऑल द कंटेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. वॉट एवर द फाइल्स प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आइकन. दिस इज द आइकन ऑफ this is the image of computer icon. Next comes is a application icon. Suppose, as I told you don't have to go to the start menu. Suppose अगर आपको कोई application software बहुत ज़्यादा use करना है, quickly use करना है, तो you can place its icons on the taskbar also or you can place its icon on the desktop also. तो what is the advantage? आप उसको simply double click करके भी उस program को quickly open कर सकते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू गो टू द स्टार्ट मेन्यू टू ओपन द एप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट कम्स शॉर्टकट आइकन्स. शॉर्टकट आइकन्स में देखिए, देर इज़ अ एरो एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. आपको एक एरो दिखाई देगा, इट शोज़ कि ये एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट का मीनिंग होता है शॉर्टकट्स आर नॉट द ओरिजिनल फाइल फोल्डर और सॉफ्टवेयर. ये केवल उससे एक लिंक होते हैं. ओरिजिनल फाइल फोल्डर और सॉफ्टवेयर विल बी सम एट अदर प्लेस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. ये सिर्फ लिंक है. एडवांटेज क्या है कि अगर आपने इसका शॉर्टकट यहाँ बना दिया फाइल का, तो आप क्विकली इसको ओपन कर सकते हो और अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो. बट फाइल जो है वो ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहती है. ओके, नेक्स्ट कम्स डॉक्यूमेंट आइकन्स. सपोज आपकी ऐसी कोई फाइल है, यू ओपन इट रेगुलरली. आप इफ़ यू यूज़ एनी फाइल regularly, तो you can place that files icons या document icons on the desktop. You can easily open your file with the help of document icons. Next है network icon. It used when your computers are connected with each other. The most important icon is recycle bin. Whenever we delete any file, folder, any other object on our computer, फर्स्ट इट स्टोर्स इन द रिसाइकल बिन. जो भी हम कुछ डिलीट करते हैं, ये सबसे पहले कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में. अगर सपोज आपने बाय मिस्टेक कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया, तो आप उसको वापस रीस्टोर कर सकते हो फ्रॉम द रिसाइकल बिन. सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आइकन अवेलेबल ऑन आवर कंप्यूटर डेस्कटॉप. सो आर आइकन टॉपिक इज ओवर टूडे. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ अ टास्क बार सो वी कैन ईजीली वर्क ऑन आवर कंप्यूटर्स. हम टास्कबार की सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? प्लीज़ सी केयरफुली. जस्ट राइट क्लिक ऑन द टास्कबार. एज यू रिमेंबर, ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप देर इज़ अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार, दैट इज़ नोन एज ए टास्कबार. तो जस्ट राइट क्लिक द टास्कबार एंड यू विल सी दिस टाइप ऑफ मेनू विल कम. सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑप्शन. जब आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो यू विल सी टास्कबार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल ओपन. फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स यू कैन लॉक द टास्कबार, यू कैन ऑटो हाइड द टास्कबार, इवन यू कैन यूज़ द ऑप्शन यूज स्मॉल आइकन्स. आप चाहें तो टास्कबार की लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज द ऑप्शंस ऑफ टास्कबार बटन्स, कि हाउ बटन शुड कम ऑन अ टास्कबार. We will discuss one by one. First, lock the taskbar. Lock the taskbar का meaning होता है कि once you have placed the taskbar on any side of the desktop,
यू कैन नॉट मूव इट अनटिल यू विल नॉट अनलॉक द ऑप्शन। आप देखेंगे अभी मैंने टास्क बार को टॉप ऑफ द डेस्कटॉप सेट कर रखा है, अगर मैं अभी पहले जब ये लॉक नहीं था तो मैंने इसको ऊपर सेट कर दिया टॉप पे, बट अगर मैंने अब इसको लॉक कर दिया तो अब इसको हम वापस बॉटम पे ला नहीं सकते अनटिल वी विल नॉट अनलॉक द ऑप्शन, है ना। सो लॉक द टास्क बार का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट इज ऑटो हाइड द टास्क बार। मोस्टली व्हेन वी वर्क ऑन द डेस्कटॉप टास्क बार जो है बॉटम पे दिखाई देता है। ओके, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यू आर वर्किंग इन एनी फाइल यू सी टास्क बार इज एट द बॉटम, इट ऑलवेज सीन ऑन द डेस्कटॉप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्हेन डेस्कटॉप टास्क बार इज नॉट यूजिंग इट शुड बी हाइड, तो यू शुड चूज द ऑप्शन ऑटो हाइड द टास्क बार। सी इन दिस पिक्चर मैंने इसमें ऑटो हाइड द टास्क बार ऑप्शन को ऑन कर रखा है, दैट इज़ अ रीज़न यू कैन नॉट सी टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप, इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन वी विल यूज अंडरस्टैंड यूज ऑफ यूज स्मॉल आइकॉन्स। प्लीज सी केयरफुली देयर आर टू पिक्चर्स गिवन। फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि टास्क बार पे जो आइकन्स हैं दे आर लिटिल बिट बिग इन साइज, बट इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द साइज ऑफ दीज आइकन्स एज यू कैन सी इन सेकेंड पिक्चर, तो यू शुड चूज द ऑप्शन यूज स्मॉल आइकन्स ऑप्शन। तो आपको आइकन्स की साइज़ क्या दिखेगी, स्मॉल दिखेगी। इट इज़ फॉर टास्क बार, हम जो पढ़ रहे हैं ये ऑप्शन किसके लिए, टास्क बार के लिए। अब नाउ टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन, आप चाहे एज आई टोल्ड यू कि हम टास्क बार को फोर साइड्स में टॉप ऑफ द डेस्कटॉप बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एडजस्ट कर सकते हैं, तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द टास्क बार ऑन द स्क्रीन। राइट नाउ आई हैव सेट इट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप, आप चाहें तो उसको राइट साइड में भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टास्क बार की लोकेशन क्या होती है, बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, सो दिस वे वी कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द टास्क बार। नाउ सी टास्क बार हैज़ ए बटन्स, हमने देखा था हम बटन्स की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी कैन डू अदर वर्क ऑल्सो, लाइक हम चाहें तो टास्क बार के बटन्स को सेट कर सकते हैं थ्री वेज में, ऑलवेज कम्बाइन एंड हाइड लेबल्स, कम्बाइन व्हेन टास्क बार इज फुल एंड नेवर कम्बाइन। इनका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ही बच्चों मैंने दिखा रखा है, नेवर कम्बाइन मीन्स कि जितने भी ऑप्शन जितनी भी विंडोज़ आप खोलेंगे वो सेपरेटली आपको दिखाई देगी। अगर आपने टू पावर पॉइंट्स फाइल खोल रखी है तो देखिए टू पावर पॉइंट फाइल सेपरेटली दिखाई दे रहे हैं, जितने आइकन्स हैं वो सब दिखाई देंगे। और अगर आइकन्स बहुत ज़्यादा आपने फाइल्स खोल दी तो फिर स्क्रॉल बार के थ्रू आइकन्स को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक ऑप्शन है ऑलवेज कम्बाइन एंड हाइड लेबल्स, देखिए आपको पावर पॉइंट की टू फाइल्स के ट्रांसपेरेंट बॉर्डर दिखाई देगी पिक्चर में, क्यों, क्योंकि इस समय टू टास्क पावर पॉइंट फाइल्स ओपन है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप एक से ज़्यादा फाइल सेम सॉफ्टवेयर की खोलेंगे तो उसको कंबाइन करके ही दिखाएगा। ओके, और नेम भी अपियर नहीं हो रहा है, जबकि फर्स्ट वाले नेवर कंबाइन में क्या आ रहा है, यू कैन सी द नेम ऑफ द फाइल। पर जैसे जैसे विंडोज़ ज़्यादा ओपन होती जाएंगी और बंद नहीं होंगी तो फिर आपको आइकन्स हाइड होते जाएंगे, आपको स्क्रॉल बार का यूज़ करना पड़ेगा। और वन मोर ऑप्शन इज़ गिवन, कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल। उस ऑप्शन में भी क्या होगा, ऑप्शंस में जो बटन्स होंगे वो कंबाइन होंगे, पर कब होंगे, जब टास्क बार फुल हो जाएगा, तब तक वो आइकन्स दिखते रहेंगे और जैसे ही फुल होगा तो वो उनको कंबाइन कर देगा। सो दिस वे वी कैन सेट द टास्क बार बटन्स। द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। हमने पढ़ा वी कैन कस्टमाइज द टास्क बार, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी कस्टमाइज द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे बच्चों कस्टमाइज करने के लिए उसकी सेटिंग्स उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए वी हैव टू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप और हियर यू विल सी यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन पर्सनलाइज। पर्सनलाइज सबसे नीचे दे रखा है, सो यू चूज दैट ऑप्शन। व्हेन यू चूज दिस ऑप्शन पर्सनलाइजेशन विंडो डायलॉग बॉक्स विल अपियर्स। नाउ फ्रॉम दिस विंडो वी कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। आप देखेंगे कि अगर हम विंडो कलर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, प्लीज सी अगेन,
यहाँ देखिए बॉटम पे एक ऑप्शन है विंडो कलर, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड देर आर वेरियस कलर्स गिवन। दिस ऑप्शन विल चेंज द कलर ऑफ योर विंडोज बॉर्डर, स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार। ओके, सपोज आई हैव सेलेक्टेड एनी वन कलर, है ना, ट्विलाइट। नाउ सी द इफेक्ट ऑफ इट। एज आई हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन यू विल फाइंड आउट कि लाइक समथिंग पर्पल कलर इज कमिंग फॉर द विंडोज टाइटल बार, विंडोज बॉर्डर, टास्क बार कलर इज ऑल्सो चेंज। सो दिस वे विद द हेल्प ऑफ विंडोज कलर ऑप्शन वी कैन चेंज द कलर ऑफ टास्क बार एंड ओपन विंडोज। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन था इनेबल ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस? इफ़ यू चूज दिस ऑप्शन विंडोज ग्लास बॉर्डर विल कम, स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार बिकम्स ट्रांसपेरेंट। केयरफुली सी इन दिस पिक्चर, यू विल सी फाइंड आउट कि बिहाइंड ऑफ द टाइटल बार ऑफ पेंट ब्रश सम आइकन्स आर देयर एंड दे आर कमिंग इन द फ्रेम ऑफ टाइटल बार। आप उनको देखेंगे थोड़े थोड़े वो भी दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू द विंडोज ग्लास बॉर्डर, ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन के कारण दिखाई दे रहा है। कलर इंटेंसिटी ऑप्शन, व्हेन यू चूज दिस बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर यू कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ कलर। ओके, सी बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड ग्रीन कलर मोड सो बॉर्डर ऑफ दिस विंडो हैज चेंज नाउ। टू मिक्स मोर कलर्स यू शुड सी एट द बॉटम देर इज रिटन शो कलर मिक्सर, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेंज द कलर। सो आवर टुडेज टॉपिक इज ओवर एंड दिस इज द आंसर की ऑफ लास्ट असाइनमेंट एंड दिस इज द असाइनमेंट फॉर दिस वीक। थैंक यू।